50,380 किलोमीटर गाड़ी, कैसा सॉल हुआ और कौन सा सेंसर मेरे को चेंज करना पड़ा? टाइम बता रहा इसमें 6:27 हो रहे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेंसर चेंज करने के बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ये मैंने कौन सा सेंसर चेंज करा वही मैं आपको बता। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शेर गौस। दोस्तों फिलहाल तो मैं सुपर गाड़ी के साथ में और सुपर गाड़ी लोड है इसे अनलोड करने जा रहा हूँ और मैं अकेला हूँ और रास्ते में मिलने वाले ख्वाजा भाई उनसे भी मिलाता हूँ तुम्हारे को तो मैं। दोस्तों ये रही सुपर गाड़ी और ये गाड़ी देखिए कितने किलोमीटर चली। ये देखिए 50,380 किलोमीटर गाड़ी चली और एक भाई का कमेंट था कि ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व हुआ। अभी देखिए 5:10 हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व हुआ और कौन सा सेंसर मेरे को चेंज करना पड़ा। तो अभी फिलहाल तो मैं रोड की सर्विस रोड पे यहाँ पे से गाड़ी हटाना पड़ता। ये जो हैदराबाद सिटी है, अगर पुलिस वाले आ गए तो चालान पड़ जाता, तो फौरी यहाँ से गाड़ी हटाना पड़ता। मैं जा रहा हूँ कस्टमर के पास और वहीं जाके आपको बताता हूँ कौन सा सेंसर मैं इस गाड़ी का चेंज करा। तो मैं आ गया दरगाह चौरस्ते पे ब्रिज के नीचे से, इनको पिकअप करने यहाँ ठहरे हुए, इनको पिकअप करने नीचे से आना पड़ा फुल ट्रैफिक में से। उन्होंने खा जाओ भाई गाड़ी चलाओ जी। तो भैया ये है बाईपास का टोल गेट, इधर से मारो जाता लेफ्ट से मारो। ये आ गए अपन टोल टैक्स पे और उधर ज्यादा ट्रैफिक हो रही, बल्कि इधर भी दो हटा के आगे डाल दिए। तो भैया अभी उतर रहे दो अपन कुल्लू टोल गेट, अब यहाँ से जाना है अंदर और 4-5 किलोमीटर। तो भैया हम पहुंच गए कस्टमर के पास, इनकी लकड़ी है ये गाड़ी काटा करके देखते गए दोनों। कहीं को बोले तो हम तो काटा करा के लाए और ये जो कंपनी का काटा है फिर भी उनका माल है ना, इन्होंने ले रहे तो काटा करके देख के लेते कहते कर लो, तो हम तो करा के लाए काटा। भैया काटा करा लेके सीधा आ गए हम अनलोडिंग पॉइंट पे, तो अभी गाड़ी लगाना है रिवर्स घुमा के, हमारे छाजा पे लगा रहे हैं वो। यहाँ पे लग गए अनलोडिंग को, बस सोल पे तो बस को मुच्छी भी लगा यहाँ पे। यहाँ तो हो रही अपनी गाड़ी खाली और मैं बताता हूँ आपको ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ये देखिए ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ, ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत सताया, तो बहुत सताया। कम से कम 25,000-30,000 किलोमीटर तक मेरे को प्रॉब्लम शो हुआ। तो मेरी गाड़ी चली 50,400 चल गई, तो मेरे को जब नई गाड़ी लाया था मैं 10,000 से जो शुरू हुआ था, तो 10,000 से जो शुरू हुआ तो 25,000 तक वो प्रॉब्लम मेरे को सताया। और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने कौन सा सेंसर चेंज करा वही मैं आपको बता। देखिए सिर्फ टाइम बता रहा इसमें 6:27 हो रहे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सेंसर जो चेंज करा मैं बताता हूँ आपको, ये वाला सेंसर जो कि यहाँ पे है, देखो ये वाला सेंसर जो ये दो बोल्ट में बैठा हुआ, बराबर नहीं दिखा सक रहा हूँ, ये वाला सेंसर चेंज करा मैं, जो कि है लेफ्ट साइड के टायर के अंदर बाजू में ही, जैसा कि ये पट्टी देख रहे हैं इधर भी इधर में है, ये सेंसर से चेंज करा। सेंसर चेंज करने के बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और वही सेंसर का प्रॉब्लम था। गाड़ी लिए जब से 10,000 किलोमीटर अच्छा चला, जब से जो प्रॉब्लम आया तो 25,000 किलोमीटर तक प्रॉब्लम आया। और वो जो सेंसर चेंज करा मैं, और सेंसर वो कितने का मिला, वो सेंसर मिला मेरे को 23,000 रुपये का, 23,000 रुपये का उतना ही सेंसर है। और मैकेनिक चार्ज मिला के 25,000 रुपये खर्चा आया, 25,000 रुपये खर्चा आया वो सेंसर चेंज करने को। अगर आप तुम्हारी गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ रहा वो वाला ही, तो आप कोई से भी मतलब मैकेनिक शॉप पे जाइए, जाके जो है आप नया मत खरीदो, पहले जो है मैकेनिक करना अगर है तो डिम्मी वो लगा के देखो, उसके पास मैकेनिक के पास एक्स्ट्रा रहता है प्रॉब्लम चेक करने के लिए, तो वो लगा के टेम्पररी लगा के देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो जब जाके नया ला के डालिए, क्योंकि महंगा है वो, 23,000 रुपये का है। आपकी गाड़ी में वही प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बल्कि तुरंत डाल के मत देखो, या तो आपके पास नहीं है कोई मैकेनिकन भी नहीं है, तो कोई गाड़ी अगर मैकेनिकन बनने के लिए आई भी है तो वो गाड़ी का खोल के अपनी गाड़ी को लगा के देखो, इंशाल्लाह अगर वही प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो गया तो सॉल्व हो जाता, अगर सॉल्व हो गया तो नया ला के डाल लो।
वही प्रॉब्लम है, देखो 90% तो वही प्रॉब्लम आ रहा, मेरे को भी वही प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम में हम पैसे बहुत डाला, मैं दूसरा सेंसर चेंज करा, साइलेंसर का चेंज करा, लिक्विड का बकेट साफ करा, बहुत कुछ करा, बाद में वो डाला जब से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अभी तो मत चल रही गाड़ी, यहाँ पे अलर्ट हो रही, बहुत बेहतरीन गाड़ी है, बहुत अच्छी है गाड़ी मेरे लिए। शुरू में थोड़ा सताई, सेंसर डाले जब से जो है मत चल रही गाड़ी, और गाड़ी भी मस्त लोड डाल के, ओवर लोड डाल के चला रही। हम जो लकड़ी लेके आए, खाजा भाई की लकड़ी लेके आए, ये इनका ग्राहक है, तो इसलिए जो है ना मेरे साथ में है, गाड़ी खाली करके जाके छुट्टी। तो अभी देखेंगे यहाँ से गाड़ी अनलोड करके तो निकलेंगे। तो भैया हो गई अपनी गाड़ी खाली पूरी, पूरी खाली हो गई, तो अभी निकलेंगे यहाँ से। भैया अभी पहुँचा मैं पार्किंग के पास, यहाँ पे देखिए अपनी पुरानी जीतो लगे भी है, और नवी जीतो जो है वसीम भाई लेके गए लोड भर के अनलोड करने, गेट के पास में थी ना अपनी नई जीतो, तो अभी वहाँ पे लगेंगे अपन सुप्रो। तो भैया पार्क हो गई अपनी सुप्रो, और गाड़ी देखिए कितना चली अभी, 50,454 किलोमीटर, और जब मैं लेके गया था गाड़ी अनलोड करने के टाइम पे 50,380 किलोमीटर था, यानी कि 74 किलोमीटर गाड़ी चल के, और टाइम देखिए अभी 9:30 बज रही। भैया यहाँ पे हो गई सुप्रो पार्क, और यहाँ पे अपनी पुरानी जीतो, अभी भैया ये अपनी नई जीतो, इससे भी एक ऑर्डर कंप्लीट करके है वसीम भाई। तो भैया अभी हुआ हमारा काम ख़त्म, हमारी सुप्रो गाड़ी लोड की, उसे अनलोड करे, फिर लोड करे, उसे अनलोड करे, फिर वसीम भाई नई जीतो से एक ऑर्डर कंप्लीट करे, मतलब 3 ऑर्डर भी कंप्लीट हो गए। तो अभी रमज़ान का महीना चल रहा, तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।